नजरे जोनारा लोकोए दावो कर्यो छे के आ नबीराओ नशामां हता। एटलुं ज नहीं, प्रत्यक्षदर्शी एवुं पण कह्युं के नबीराना 8-10 माणसो आव्या अने लोकोने धमकावीने कारनी नंबर प्लेट पण काढी गया हता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक, स्वागत है आप सभी का। तो भाई, जैसा कि आपने पिछले कई सारे एक्सीडेंट्स में देखा होगा, गाड़ी अगर महंगी लग्जरी और जबरदस्त पावर वाली होती है और उसे बाई चांस कोई कम एज का लड़का ड्राइव कर रहा हो तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो गाड़ी लिमिटेड स्पीड में चले। भाई लोग हमेशा ही इन्हें उड़ाते हुए चलते हैं और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और इन महंगी गाड़ियों के पिछले कुछ दिनों से गुजरात की तरफ से कुछ ज्यादा ही एक्सीडेंट सामने आ रहे हैं। एक तो तथ्य पटेल वाला एक्सीडेंट याद ही होगा आपको, जिसमें इसने काफी हाई स्पीड में जगुआर SUV से कई लोगों को कुचल दिया था। इसके अलावा अभी रिसेंट में गुजरात के अहमदाबाद के आसपास मर्सिडीज G-Wagon अनकंट्रोल होकर डिवाइडर में घुस गई थी और ये भी रैश ड्राइविंग के चक्कर में हुआ था। और आज फिर से वहीं से एक और एक्सीडेंट सामने आ रहा है जिसे कुछ व्यूअर्स ने शेयर किया है। आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम। यह एक्सीडेंट रिसेंटली गुजरात के अहमदाबाद में मर्सिडीज G-Wagon, ह्यूंडई वर्ना और ग्रैंड आइटन के बीच हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रात के करीब 3 बजे के आसपास G-Wagon और एक ऑडी SG हाईवे से होते हुए जा रही थी, तभी सिंधु भवन के पास अचानक से G-Wagon के ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग पर से खो गया और SUV ने एक वर्ना और ग्रैंड आइटन को हिट कर दिया। बताया जा रहा है कि मर्सिडीज G-Wagon को एक लड़का ड्राइव कर रहा था जिसकी एज वही 24 साल के आसपास है और ये शायद अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में भी था, जो कुछ न्यूज में मेंशन है। हालांकि इसके अलावा एक्सीडेंट के मेन रीजन की बात करें तो वो था रेसिंग। भाई लोग अपने G-Wagon और ऑडी से रेस लगाए हुए थे, इसलिए ये हद से ज्यादा तेज रफ्तार में ड्राइव कर रहे थे। अब इसी बीच में SUV का कंट्रोल खो गया और ये सब हो गया। इस एक्सीडेंट का CCTV फुटेज भी है। लेकिन ये बात का है जिसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे G-Wagon काफी तेज रफ्तार में जा रही है और इसमें से चिंगारियां भी निकल रही हैं। अब ये चिंगारियां जो हैं वो SUV के आगे साइड से निकल रही हैं, क्योंकि डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने से गाड़ी का एक्सल टूट गया है और पहिया वगैरह निकलकर बाहर आ गया है। इसके अलावा गाड़ी का बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर वगैरह में भी थोड़ा बहुत डैमेज देखा जा सकता है। वहीं दूसरे तरफ वर्ना की बात करें तो इसका लेफ्ट साइड बम्पर, टेलगेट और डोर वगैरह के साथ डैमेज हो गया है और पहिया भी टूटकर बाहर आ गया है। ग्रैंड आइटन में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं आया था, थोड़ा बहुत डैमेज इसमें दिखाई पड़ रहा बस। बात करें अंदर बैठे लोगों की तो फॉर्चुनेटली इसमें किसी को बहुत ज्यादा इंजरीज नहीं आई है, सभी सेफ हैं। तो भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे न्यूज में ये मेंशन है कि मर्सिडीज और ऑडी के बीच रेस चल रहा था। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा कि गाड़ियों की स्पीड करीब 150 से लेकर 200 किलोमीटर पर आर के आसपास थी और एक्सीडेंट के कुछ देर बाद ड्राइवर ने कुछ दोस्तों के साथ आकर गाड़ी का नंबर प्लेट और कुछ पेपर्स गाड़ी में से निकाल लिए थे। हालांकि इन चीजों पर ड्राइवर ने साफ मना कर दिया। वो बोल रहा है कि मैं कोई रेस नहीं लगा रहा था और मेरी गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आर के आसपास थी। अब क्या सही है और क्या गलत, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस ने ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो भी हो, देखने से तो ऐसा लग रहा कि गाड़ी कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तार में रही होगी, तभी ये अनकंट्रोल हुई है और ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। 3-4 करोड़ की SUV है ये, 80 के रफ्तार में कैसे अनकंट्रोल हो सकती है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा लग रहा भाई बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, ड्राइवर पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इनकी एक गलती से किसी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती। कितना भी ये गाड़ी 5 स्टार हो, लेकिन इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। बाकी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था और वो इन दोनों गाड़ियों को एक ही समझ रहे थे, क्योंकि दोनों का ही एक्सीडेंट गुजरात में हुआ है और शायद एक ही दिन हुआ है। लेकिन भाई, दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल अलग हैं। हाँ, रीजन दोनों ही एक्सीडेंट्स में एक है, रैश ड्राइविंग। बाकी आप सभी का इस पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।